सर हार्वेट रेसले ने 1901 की जनगणना में सिद्धांत चेहरा और सिर नापने से गुजरों को आर्यन रेस के सिद्ध किया है। हमारी मान्यता है कि ऐसे माप तोल करना मुक्तापूर्ण है क्योंकि मनुष्य मनुष्य है। यदि ऐसा ही कोई सर्वे करना है तो बात का करो कि आर्यों का किन किन देशों पर शासन रहा और जब वे संपूर्ण विश्व पर शासन कर रहे थे तो संपूर्ण शासन व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। गुजरों की सादी ऊंची नासिका लंबी गर्दन ऊंचा माथा और भरा हुआ शरीर देखकर पश्चात इतिहासकों ने भी इन्हें भारतीय एवं आर्य प्रमाणित किया है। सर वटसन ने पंजाब कास्ट में पेज नंबर 194 पर लिखा है कि गुर्जर पंजाब की सबसे बड़ी 8 जातियों में से एक है। शारीरिक बनावट में जाट और गुर्जर और ठाकुर मिलते जुलते हैं। एक ही वंश और एक ही परिवार के लोग बहुत दूर तक और बहुत देर तक एक जैसे रहते हैं। वे संस्कार उनके भीतर झलकते हैं। जय श्री राम। भारत का इतिहास का गुर्जरों के लिए भारत सबसे पहले ऐतिहासिक प्रमाणों से यह भी सिद्ध है। भारत विरोधियों ने जब भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया तो उन्हें भी युद्ध में धराशायी करने का काम आर्यों की क्षत्रिय परंपरा के लीडर गुर्जरों ने सफलतापूर्वक करके दिखाया। ये स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए भारत पहले है। भारत के ही भारत द्रोहियों को भी परास्त करते रहे। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में कहीं पर छोटे मोटे राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की तो गुर्जर जाति के शासकों सरदारों योद्धाओं ने कंटिन्यूसली विरोध जारी रखा। श्री के एम मिश्रा जी ने लिखा है, सन 500 ई में अबू पर्वत के चारों ओर का विस्तृत क्षेत्र गुर्जर प्रदेश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। वे शुद्ध आर्य संस्कृति के ओतप्रोत थे। उनके प्रतियार परमार चालुक्य वे सोलंकी वे चौहान आदि वंशों के शासक वीर विजेता अपनी विजयों के साथ अपनी मातृभूमि गुर्जर देश का नाम चारों ओर भूखंड में ले गए। गुर्जर देश गुजरात रहे। गुजरात की सीमाएं स्थायी नहीं थी बल्कि वे गुर्जर राजाओं के राज्य विस्तार के साथ घटती बढ़ती रहती थी। गुर्जर प्रांत का नाम गुर्जरों ने गुजरात रखा। इससे पहले इस प्रांत का नाम लॉर्ड था। हमें समझना चाहिए गुर्जर एक क्षत्रिय परंपरा का नाम है। जय श्री राम। गुर्जरों के प्राचीन और आधुनिक राज्य। गुर्जरों के प्राचीन और प्रभावशाली राज्यों में भीनमाल था। ये भीनमाल जोधपुर से समथिंग 70 मील दक्षिण में अबू पर्वत में लोनी नदी के मध्य स्थित था। यहाँ 485 से 550 के समय यह राज्य चाप वंशी गुर्जरों ने स्थापित किया। चाप गुर्जर क्षत्रियों की राजधानी भीनमाल थी। सम्राट हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने जब विजय यात्रा आरंभ की तो उसने गुर्जर शक्ति पर भी आघात किया। भीनमाल राज्य इस आक्रमण से भी सुरक्षित रहा और बढ़ता रहा। चीनी यात्री अंगसोंग ने लिखा है कि भीनमाल का 20 वर्षीय नव युवक गुर्जर क्षत्रिय राजा अपने साहस और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चाप वंश गुर्जर बड़े ही शक्तिशाली और धनवान देश के स्वामी हैं। उसने इस राज्य को 900 मील तक बताया है। सन 750 में भीनमाल के गुर्जरों पर सिंध विजय करने के बाद आर्यों ने आक्रमण किया। उसके करीबन एक साल बाद 726 में नागवत नामी गुर्जर प्रतिहार ने भीनमाल को हस्तगत करके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की आधारशिला रखी। गुर्जरों ने भीनमाल बड़ौच अबू चंद्रवती उज्जैन कन्नौज आदि को अपनी राजधानी बनाया। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख सम्राटों में नागवट प्रथम देवराज वस्त्रराज नागवट द्वितीय रामभद्र मही भोज महाराज महेंद्रपाल महीपाल और आदि शक्तिशाली सम्राट थे और इन्होंने अरब आक्रमण कर्मियों से युद्ध किए। उस समय गुर्जरों का शासन भारत के बहुत प्रांतों पर फैल चुका था। सुलेमान नदवी का लेख तारीख तिबरी में भी ये चीजें। जय श्री राम। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचंद्र जी भी गुर्जर थे। कुछ लोग श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्णा जी जैसे भगवानों को भी जाति में जोड़ने से नहीं चूकते। गुर्जर भारत की सूर्यवंशी परंपरा के प्रतिनिधि हैं और क्षत्रिय परंपरा में इतिहास रचा है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि श्री राम जी भी गुर्जर थे। उस समय श्री राम जी केवल क्षत्रिय थे और अपने समय में जब क्षत्रियों को परिस्थिति के अनुसार गुर्जर कहा जाने लगा। राम जी का अपना वंश सूर्यवंश है। राम जी के एक पूर्वज इच्छावाकु एक प्रतापी शासक हुए तो उन्हें इच्छावाकु वंश के नाम से जाना गया। इच्छावाकु जी के पश्चात इसी कुल में रघु जी एक प्रतापी शासक हुए तो उन्हें रघुवंशी कहा जाने लगा। जहां तक श्री राम जी की बात है तो वे एक सूर्यवंशी थे। इच्छावाकु वंशी भी हैं और रघुवंशी भी हैं क्योंकि वे इन सबके बाद हुए। बस यही बात है, गुर्जरा किसी भी अन्य क्षत्रिय वंश परंपरा की जाति पर लागू होती है। गुर्जर श्री राम जी के वंशज हो सकते हैं पर श्री राम जी भी गुर्जर हों ये नहीं मानना चाहिए। जब क्षत्रियों के
लिए उस समय गुर्जर या किसी अन्य जाति का प्रयोग नहीं होता था, तो फिर भेद विरोध और सनातन संस्कृति एवं क्षत्रिय परंपरा को किसी जाति में बांध कर देखना न्याय नहीं होगा। श्री राम जी को किसी भी जाति में सिद्ध करना कतई भी उचित नहीं है। श्री राम जी को केवल क्षत्रिय ही रहने दिया जाए। यह सच है कि जिस समय गुर्जर लोगों को गुर्जर के नाम से जाना आरंभ हुआ, समय संपूर्ण क्षत्रिय जाति का प्रतिनिधि गुर्जर ही कर रहे थे, क्योंकि अन्य क्षत्रिय जातियों का नाम बहुत बाद में लिया जाना आरंभ हुआ। ऐसे में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो जाति जहाँ से किसी जाति विशेष के नाम से उल्लेखित की जानी आरंभ हुई, उसका इतिहास वहीं से माना जाएगा। जो भी क्षत्रिय शासन कर रहे थे वह गुर्जरी थे उस समय। मेरा मानना है भाइयों, जातिवाद से हटकर हिंदू बनो सभी। जय श्री राम। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री राम। क्या भारत की कुछ जातियां विदेशी हैं? भारत में लेखों का एक ऐसा वर्ग है जो भारत की अनेकों जातियों को विदेशी सिद्ध करता रहता है, जबकि भारत की लगभग सभी जातियां जो आ रहे हैं या भारतीय इतिहास धर्म में संस्कृति में अपना विश्वास रखती हैं, मूल रूप से वे सभी भारतीय हैं। जो लोग विदेशी बताते हैं उन्हें यह लाभ होता है, सब लोग अपने आप को अलग अलग समझेंगे, जिसका परिणाम ये होगा प्रत्येक जाति अपना मूल विदेशों में खोजेगी, जो जहां से वो अपना निकास मान रही होगी। इसका अंतिम परिणाम ये होगा कि भारत टूटेगा बिखरेगा, क्योंकि जिस राष्ट्र में संस्कृति एकता ना हो, जिसकी इतिहास की परंपरा एक ना हो, जिसका धर्म एक ना हो, जिसकी मानवता एक ना हो, उसमें बिखराव आता ही आता है। भारत की जिन जातियों को लेखकों ने विदेशी सिद्ध किया है उनमें से एक गुर्जर जाति भी है। गुर्जर जाति के शासकों ने दीर्घकाल तक शासन करके विदेशी हमलावरों को भारत में प्रवेश करने से रोक के रखने का देशभक्तिपूर्ण कार्य किया है। गुर्जरों के बारे में हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनकी सोच भारत के प्रति सदा कुछ इस प्रकार रही है। अब हवा में जिसके जीवन गुजरा, हमारा बाजू में जिसकी हमने बनाया झूला, गोदी में लोट जिसकी हमने पिया अमृत, वे देश हमारा बतलाया नाम, भारत मेरा वतन, भारत मेरा वतन, भारत भारत माता की जय। जय श्री राम। प्राचीन भारत के बारे में और प्राचीन महाद्वीपों के बारे में, सतायु पुराण के अनुसार धरती पर 7 द्वीप हैं, जिनके नाम जम्मू, प्लच, सालमली, कुश, क्रौच और साक एवं पुष्कर थे। जम्मू द्वीप से आज के यूरोप और एशिया बने हैं। प्राचीन काल में संपूर्ण भूमंडल के 7 द्वीपों पर आर्यों का ही शासन था। पुराणों से यह भी सिद्ध है कि पहले सभी आर्य हिंदू थे। स्पष्ट है कि आज के यूरोप और एशिया के जितने भी देश हैं वे प्राचीन काल के वैदिक धर्मी आर्यों और हिंदुओं के नाम से पुकारे गए पूर्वजों की संतानों के देश हैं। जम्मू द्वीप के भी 9 खंड थे, इलाव्रत, भद्रशप, कीपुरुष, भरत, हरि, केतुमार, रम्यक, पूरु, हिरण्यम्य। इन 9 खंडों में से भरत नाम के खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। भारतवर्ष का पूर्व का नाम आजनाथ था। भरत खंड के भी 9 खंड थे, इंद्रदीप, कमेरु, ताम्रप्रंड, गविस्तमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण तथा यह समुद्र से घुरा हुआ द्वीप उसमें 9वां है। ये भारतवर्ष अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतमाला से अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों और कश्मीर की हिमाचल की चोटियों से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था, और दूसरी ओर ये हिंदू कुश से अरब सागर और अरुणाचल से बर्मा तक फैला था। उस समय के भारत खंड के अंतर्गत आज के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि देश आते थे। इस भरत खंड में कुरु, पंचाल, कुंडरिन, कालिंग, मगध, दक्षिणात्य, अप्रांत देशवासी, सौराष्ट्रगण, तहा, सूर, आभीर, अबूदगण, कारूस, मालव, पर्यात्र, सौवीर, संधव, होण, साल्ब, कौशल, मद्र, आरम्भ, अम्बस्ट और पारसी गण आदि रहते थे। इसके पूर्वी भाग में किरात और पश्चिमी भाग में यवन बसे हुए थे। बाकी अपनी और कमेंट में राय जरूर बताएं। जय श्री राम।